तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। प्रॉब्लम क्या आता है, जब वो अपना रील्स अपलोड करते हैं तो उनका जो रील्स है वो अपलोड नहीं हो पाता है सही तरीके से। होता क्या है, इस तरीके से रील्स यहाँ पर अपलोड होते रहता है, बस यहाँ पे आके अटक जाता है और रील्स अपलोड नहीं हो पाता है। या फिर बहुत सारे लोगों में ये भी प्रॉब्लम आता होगा, वीडियो का नेट भी पोस्टेड, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, या फिर यहाँ पर इसी तरीके से ये चीज़ दिखते रहेगा, बस हमारा जो रील होगा वो अपलोड नहीं होगा। तो अगर आपको रील्स अपलोड करने में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो प्रॉब्लम दो कारण से आता है। पहला कारण क्या है कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है तब आपका जो रील्स होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है, या फिर आपका जो रील्स होता है वो ज़्यादा MB का होता है, इसीलिए यहाँ पर अपलोड होने में इसको टाइम लगता है। अब जब आपको ये रील्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम अपने रील्स को अपलोड करेंगे तो हमारा रील्स इजीली में अपलोड हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है, बस आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखिएगा एंड हमारे ट्यूटोरियल को स्टेप बाई स्टेप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको आना है इंस्टाग्राम पे आना, इस तरीके से क्लिक करके रखना है, आई बटन देखने को मिल जाएगा या फिर ऐप इन्फो, जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर आपको डाटा यूजेज का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड डाटा का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको फिर से एक बार ऑफ़ ऑन कर देना है। ठीक है, एक बार ऑफ़ करना है, उसके बाद फिर से ऑन कर देना है। मैंने इसको ऑन कर दिया, जैसा पहले था उसी तरीके से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डिसेबल मोबाइल डाटा का जो ऑप्शन है, अगर आपका ये इनेबल है तो इसको डिसेबल कर देना है। देख सकते हो ये हमारा इनेबल अभी मैंने किया, लेकिन इसको डिसेबल ही रहने देना है। इसी तरीके से दोनों को डिसेबल रहने देना है, ये दोनों इनेबल नहीं होना चाहिए, ऑन नहीं होना चाहिए, ये दोनों ऑफ ही रहना चाहिए। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है आपको, स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, क्लियर डेटा एंड क्लियर कैश का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके यहाँ पर क्लियर डेटा कर देना है। लेकिन इससे पहले एक्चुअली आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको इंस्टाग्राम का पासवर्ड नहीं पता है तो आप लोग इस चीज़ को नहीं करोगे। पहले आप लोग अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता करोगे, उसके बाद इस चीज़ को ट्राई करोगे। इंस्टाग्राम का पासवर्ड जानना है तो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो को देख सकते हो, उसके बाद आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर दोगे। इतना करने के बाद क्या करना है आपको, जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद इंस्टाग्राम सर्च करना है, सर्च करने के बाद अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। इतना करने के बावजूद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम को डिलीट कर देना है, यानी अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर से प्ले स्टोर से जाके अपने इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड देकर इसमें लॉगिन हो जाना है, देन आपका जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको आगे से इस तरीके का रील्स अपलोड प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।